नमस्कार, मास्टर शेफ रूपाली में आपका बहुत स्वागत है। तो अभी नवरात्र चल रही है और नवरात्र में बहुत लोगों का व्रत रहता है, लेकिन 9 दिन क्या खा है ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो इसीलिए हमें कुछ अलग खाने का मन रहता है। यही सोचकर मैं आपको आज दिखाऊंगी जो शकरकंद या महाराष्ट्र में उसे रताळ कहते हैं या स्वीट पोटैटो आप कह सकते हैं उसे, उसका हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये गुड़ और शक्कर दोनों से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं शकरकंद का हलवा। तो ये व्रत का हलवा बनाने के लिए शकरकंद का मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट थोड़े से घी में इसे कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो एकदम धीमी आंच रखिए। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है काजू, मुनक्का और थोड़े से मखाने, और भी आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो इसे एकदम धीमी आंच पे हल्का घी डाल के हमें फ्राई करना है। देखिए कुरकुरा होने तक इसे मैंने भून दिया है। अब इसे निकाल देते हैं। ये देखिए दो शकरकंद या रताळे महाराष्ट्र में कहते हैं, इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो इसको मैंने उबाल लिया है। उबालते टाइम आप एक डिब्बे में इसे रखिए और कुकर में पानी डाल के रखिए। इसमें पानी डाल के मत उबालिए, नहीं तो इसकी स्वीटनेस सब खत्म हो जाती है। तो ऐसा करके फिर इसका छिलका निकाल के मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा हम घी डालेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और उसमें शकरकंद या रताळ डाल देते हैं और इसे हल्का हम भून देंगे। देखिए ये हल्का भून गया है। अब इसमें मैं 1 कप आप या 1 छोटी कटोरी मलाई डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो न हो तो आप 2 कप दूध डाल दीजिए। तो मेरे पास दूध है, ये मैं दूध डाल देती हूँ। अब इसे पूरा इकट्ठा होने तक या घी छोड़ने तक हमें पकाना है। तो आंच मीडियम रखिए। देखिए 5 से 7 मिनट में एक ऐसे जमा हो गया, पूरा गाढ़ा हो गया है। तो ऐसे घी छोड़ने तक इसे ऐसे कर दीजिए, गोला कर दीजिए। अब इसमें मैं गुड़ डालूंगी। कोई कोई शुगर भी डाल सकता है, चीनी अपने पसंद के अनुसार, लेकिन मैं इसमें गुड़ डालूंगी। तो ये गुड़ मैंने 5 चम्मच में इसमें डाल दूंगी। तो इसमें मैंने गुड़ 5 चम्मच बड़े डाल दिए क्योंकि ये 2 शकरकंद थे मीडियम साइज के। आप टेस्ट के अनुसार आपने डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक इसे प्लेट डाल के पका दीजिए। तो ये बनके तैयार है। अब लास्ट में इसमें मैं एकदम थोड़ा सा घी डालूंगी और एक ड्राई फ्रूट जिसमें मखाना है, काजू है, बादाम है, मुनक्का है, सब इसमें आप डाल दीजिए। और ये आपका व्रत का स्पेशल हलवा तैयार है। तो इसे आप दूध के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे ही भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें दूध तो डला ही है। तो देखिए बनके तैयार है बहुत ही हेल्दी शकरकंद का हलवा या स्वीट पोटैटो का हलवा। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। तो व्रत में ये खा के आपको एनर्जी आ जाएगी, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।